हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंफोटेक हब। इंफोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के कुछ खास फीचर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें इंस्टीट्यूट जो है चेंज करना है, तो हमें लॉगिन करने के बाद में इंस्टीट्यूट चेंज पे बटन पे क्लिक करेंगे और एग्री एग्रीमेंट पे करके विड्रॉल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा ये कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से विड्रॉल हो जाएगा, फिर से आप नया फॉर्म भर सकेंगे। ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है अपने एप्लीकेशन को फिर से भर सकते हैं, यानी आप अपने इंस्टीट्यूट को चेंज कर सकते हैं। एग्री एग्रीमेंट पर क्लिक करने पर विड्रॉल हमने एप्लीकेशन किया, उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट चेंज करना है तो वहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और अगर आपको पूरा फॉर्म चेंज करना है तो वहाँ पर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूट लॉगिन। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे हमने जाना है, जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद में हमें डालना है वहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देने लगे हैं, यानी आपका जो स्कूल का डैशबोर्ड है वो वहाँ पे आपको दिखाई देने लगे हैं। वहाँ पे हमको जाना है वेरीफाई एप्लीकेशन। वेरीफाई पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ दो तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यू डिटेल और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है एडिट। एडिट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एडिट ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आप वो तीन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। एडमिशन फीस चेंज कर सकते हैं, ट्यूशन फीस चेंज कर सकते हैं, लमसम अमाउंट जो हमने भरा है वो चेंज कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर फॉर्म ही गलत हो चुका है तो हमें व्यू डिटेल बटन पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल बटन पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन है। रिजेक्ट ऑप्शन अगर हम करते हैं तो रिजेक्ट ऑप्शन से होगा ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट होने से जो है आप उस फॉर्म को दोबारा भरने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। कभी कभी आपको फॉर्म नहीं मिल सकता, लेकिन फिर मिल भी सकता है। लेकिन हमें वहाँ पर रिजेक्ट बटन पर क्लिक नहीं करना है, वहाँ पर हमें डिफेक्ट बटन पर क्लिक करना है। रिजेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म यानी परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिफेक्ट बटन पर क्लिक करना है। डिफेक्ट बटन पे इसलिए क्लिक करते हैं हम ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, हमने जो भरा था एप्लीकेशन, जैसा हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि रिजेक्ट बटन पे हमने क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन कर रहे हैं तो आपकी जो फाइल है वो नहीं दिखाई रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन रिजेक्ट के अंदर में आपको कुछ कोड ऐड करने हैं कि क्या है, किस लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। हमें हमने एप्लीकेशन में लिखा कि IFSC कोड इज़ रॉन्ग, फिर हमने डिफेक्ट पे क्लिक किया। जब हमने डिफेक्ट पे क्लिक किया तो आपका जो फॉर्म है वो फिर से एडिट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर हमें इंस्टीट्यूट लॉगिन की जगह पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है। स्टूडेंट लॉगिन पे हमने स्टूडेंट का यूज़र आईडी डाल देना है, और स्टूडेंट का यूज़र आईडी डालने के बाद में हम स्टूडेंट का पासवर्ड वहाँ पे ऐड करना है। स्टूडेंट का पासवर्ड डालने के बाद में आपको डालना है आपका कैप्चा कोड, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है फोर वाला। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है यहाँ पे दिखा रहा है कि IFSC कोड इज़ रॉन्ग का मैसेज आ रहा है, यानी आप जो है इंस्टीट्यूट लॉगिन से इसे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने अपडेट बटन पे क्लिक किया तो वहाँ पे आपको फॉर्म, अगर परमिशन है, जो चीज़ अपडेट हो सकती है तो वही आपको वहाँ दिखाएगा, अगर वो चीज़ अपडेट नहीं हो सकती है तो आपका जो डिफेक्ट वाला ऑप्शन है वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी इंस्टीट्यूट लॉगिन के लिए। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, इसके अंदर में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो फैंड कलर दिख रहा है उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने डिफेक्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम IFSC कोड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो इस जगह पे हमने करना ये है कि आपको जो चेंजेस करने, जैसा कि अगर फादर नेम में हमने गलती किया, मदर नेम में, जेंडर में, या फिर हमने कास्ट में गलती किया, तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको करना यह है कि फिर से आपको जो है इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाकर चेक करना है कि आपने जो फॉर्म को सेव किया और उसका जो प्रिंटआउट निकाला आपने, तो सेव करने के बाद प्रिंटआउट जब हम निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे सेव कर दिया है, सेव करने के बाद में सेव एंड ड्रॉप बटन पर क्लिक किया है और उसके बाद में जो है फाइनल सबमिशन कर दिया। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद में इस तरीके से आपको प्रिंटआउट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में आपको करना ये है कि आपका जो है फिर से इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाना है। इंस्टीट्यूट लॉगिन को पहले लॉगआउट कर दे, लॉगआउट करके फिर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में फिर से हम जाएंगे वेरीफिकेशन बटन पर। जब हम एप्लीकेशन वेरीफिकेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन वाली नहीं दिखेंगी क्योंकि हमने डिफेक्ट में डाला था, तो हम
वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पे नहीं, एप्लीकेशन री वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन री वेरिफिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसे डिफेक्ट में डाला था। फिर व्यू बटन पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पे हमने क्लिक कर देना है। जब हमने व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपका फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब हमें इसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के लिए यानी वेरीफाई करने के बाद लिए आपको वहाँ पे उसकी रिमार्क डालना है कि किस लिए आपने डिफेक्ट डाला था। तो डिफेक्ट के लिए हमने वहाँ पे डालना है कि IFSC कोड इज़ रॉन्ग या फिर फादर नेम इज़ रॉन्ग, जो भी हमने डिफेक्ट है आपके फॉर्म के अंदर में, या फिर अकाउंट नंबर अगर गलत है वो डालना है, जो भी हम उसके अंदर में गलती हमें दिखाई दे रही है, क्लास गलत लिखा है तो वो डालना है। और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके, ऑल डॉक्यूमेंट वेरीफाई बटन पे क्लिक करके जो चेक मार्क लगानी है आपको, और चेक मार्क लगाने के बाद में जो है आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने फिर से डिफेक्ट बटन पे क्लिक किया। डिफेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाकर वेरीफाई स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है हमें। फिर से हम स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर जो है फॉर्म को भर देना है। री वेरीफिकेशन बटन पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर जो है फिर से लॉगिन कर देना है। और यहाँ पे जो है आपने IFSC कोड इज़ रॉन्ग बटन पे क्लिक किया और वेरीफाई कर दिया। तो ये जो फॉर्म है, जब फर्स्ट टाइम हमने वेरीफाई किया री वेरीफिकेशन में, तो दोबारा वो वेरीफाई नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें कि री वेरीफिकेशन दोबारा जब वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो वो जो फॉर्म है तीसरी बार वेरीफाई नहीं होगा। तो इसलिए आप वो प्रॉपरली उसके अंदर जो मिस्टेक है, जो भी रिमार्क है, वो प्रॉपरली डालें ताकि आप उसके अंदर कुछ गलती ना कर सके, फिर से वो एडिट नहीं होगा। फिर हम वहाँ पे वो चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम जो है वेरीफाई बटन चेक मार्क लगाकर वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जब हमने वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वेरीफाई हो चुका होगा। तो आपका जो वेरीफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। कंप्लीट होने के बाद में आपको करना ये है कि आपको वो फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रखने हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे जाकर वेरीफिकेशन पे भी हम चेक करते हैं तो वो फॉर्म आपका वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई बटन पे लोकेशन जो जो हमने वेरीफाई किया, डिफेक्ट किया, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं। हमें क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर हमने डिफेक्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने उसको रीवेरीफाई कर दिया है। अगर हम रीवेरीफाई नहीं करते तो वो फॉर्म आपको दिखाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे वेरीफाई एप्लीकेशन लिस्ट पे जाना है। वेरीफाई एप्लीकेशन लिस्ट पे हमने क्लिक किया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको जो है पूरे फॉर्म जितने भी वेरीफाई हो चुके हैं सारे फॉर्म की डिटेल यहाँ पे आपको दिखने लगेंगी। इस तरीके से आप जो है अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन से अपने स्टूडेंट का डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और यहाँ से आपको कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। थैंक यू वेरी मच।